नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएस पर। सो आज सुबह का जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग सेशन रहा, उसमें हमारे भारत के जो दो प्रमुख सूचकांक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक सेंसेक्स है, उसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिली। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये आज का वन डे का चार्ट है जिसमें हमें लगभग 950 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 50 है, इसमें भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली है एक सिंगल दिन में, जिसमें कि लगभग 311 पॉइंट यहां पे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो गिर चुका है। बल्कि यहां पर ये दोनों ही जो इंडाइसेस हैं वो अब ईयर बेसिस पे भी नेगेटिव में जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स का जो चार्ट है, ये ईयर टिल डेट का जो चार्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये अब नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है, -3.44%। यानी कि ईयर की शुरुआत में जो सेंसेक्स का स्तर था और आज जो सेंसेक्स का स्तर है, उसमें यहाँ पे हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। एंड सेम कहानी हमें निफ्टी 50 की भी देखने को मिली है। सो ईयर टिल डेट वाले चार्ट में निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5% की हमें यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। बल्कि इस पर्टिकुलर गिरावट के चलते भारतीय स्टॉक मार्केट में जो निवेशक हैं, उन्होंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख करोड़ का नुकसान भी झेला है। और इसी के चलते जो इंडियन रुपी है वो भी अब एक ऑल टाइम लो लेवल्स को टच कर चुका है। अगर आप देखेंगे सो इसमें बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे कि पावर ग्रिड हुआ, जैसे कि टाटा स्टील हुआ, मारुति, महिंद्रा, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह, ये सभी के सभी यहाँ पे नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। और सेंसेक्स जो है वो पिछले 4 दिनों से ही रेड चार्ट को बना रहा है, यानी कि पिछले 4 दिनों से ही वो यहाँ पे गिरता जा रहा है। सो बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को और जनरली इंडियन इकोनॉमी को नीचे ला रहे हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि आरबीआई इन चीज़ों को लेकर क्या करने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपके सामने है आउटलुक की खबर की, बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन का बहुत ज़्यादा डर चल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते हमारे जो सेंसेक्स निफ्टी है और जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है, उसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को जब यूएस की स्टॉक मार्केट क्लोज हुई थी, तो यूएस की स्टॉक मार्केट को मेजर करने वाला जो सूचकांक है, उसे कहा जाता है डाओ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। उसका भी आपको मैं यहाँ पे चार्ट दिखाने वाला हूँ। ये वाला भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो उस दिन इसमें सिंगल डे में हमें 1.6% की गिरावट देखने को मिली थी। और ये वाला जो डाओ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज का सूचकांक है, इसने एक 30,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक किया था, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव टेरिटरी में ये जा चुका था। और ये भी अगर हम इसका भी एयर टिल डेट का चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी हमें नेगेटिव टेरिटरी ही देखने को मिल रही थी। वो सिंगल दिन में 500 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली। और उसी दिन गोल्डमैन सैक्स के नाम से जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने कहा दैट रिसेशन वुड हिट द स्टॉक्स हार्डर, यानी कि अगर यहाँ पे मंदी आती है, रिसेशन आता है, तो जो स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी भारी यहाँ पे झटके देखने को मिल सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, बल्कि उसके साथ ही में जो यूएस मार्केट के बड़े बड़े और इंडेक्स हैं, जैसे कि S&P 500 हुआ, जैसे कि नैसडैक हुआ, नैसडैक आपने शायद नाम सुना होगा, तो इसमें मेजर जो यूएस की टेक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उनको मिलाकर के इस पर्टिकुलर सूचकांक को बनाया गया है। इन दोनों सूचकांकों में हमें S&P में 1.7% और नैसडैक में सबसे ज़्यादा गिरावट अप्रॉक्सीमेटली 1.8% की देखने को मिली। और ये भी बताया गया कि दोनों जो हैं वो अब बेयर मार्केट की टेरिटरी में जा चुकी हैं, यानी कि अब इनके अंदर हमें और गिरावट देखने को मिलने वाली है। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा जो यूरोपियन स्टॉक मार्केट थी वो भी गिरी, आप यहाँ पे देख पाएंगे, सितंबर 26 की ये वाली खबर है। सो व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, यूरोपियन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, वहां पर भी हमें स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड दे हैव ऑल्सो फॉलन इन टू द बेयर मार्केट, क्योंकि वहां पर भी बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल रिसेशन के रिस्क हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो भी हमें मूवमेंट्स इन मार्केट्स में देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमें उसके बाद इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखने को मिलती हैं, बिकॉज यहीं पर जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में आकर के अपने पैसे का निवेश करते हैं। बल्कि नॉट जस्ट दैट, अगर हम ऑयल प्राइस की बात करें तो ऑयल का प्राइस जो कि शायद ऊपर जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन वो भी अब नीचे आना शुरू हो चुका है, बिकॉज जो ऑयल की डिमांड है वो भी यहाँ पे घटने लग चुकी है। और डिमांड कब घटती है? जब हम रिसेशन देखने को मिलता है,
सो डिमांड भी काफ़ी वीकन हो चुकी है। WTI यानी कि जो वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट है, जो कि US का यहाँ पे क्रूड फ्यूचर है, उसकी वैल्यू $80 पर बैरल से नीचे आ चुकी है। और अगर हम लोग ब्रेंट की बात करते हैं, ब्रेंट के भी जो क्रूड फ्यूचर्स हैं वो भी यहाँ पे गिर चुके हैं 3.79% से। और फ्राइडे के दिन ये वाले जो फ्यूचर्स थे ये $87 पर बैरल पे आपको देखने को मिले थे। और आज का जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस है, इट हैज ड्रॉप्ड बिलो $85 पर बैरल। और ये भी आप देख लीजिए कि जनवरी महीने की तुलना में, इस साल की जनवरी महीने की तुलना में पहली बार ऐसा हुआ है कि $85 पर बैरल पे आपको क्रूड देखने को मिल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि शायद जो क्रूड है वो 85 से गिरते गिरते 75 के लेवल्स को भी टच कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हमें रिसेशन के जो फेयर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल बेसिकली अगर आप देखें तो जो ग्लोबल मैक्रो कॉन्स्ट्रक्ट है, इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द इक्विटी मार्केट्स, अगर आप देखें यहाँ पे शॉर्ट रन में। और जो डॉलर इंडेक्स है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। डॉलर इंडेक्स क्या चीज़ होती है? डॉलर इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा सूचकांक है जो कि बताता है कि डॉलर की वैल्यू दूसरी करेंसीज के संदर्भ में कहाँ पे जा रही है। डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता रहता है, यानी कि जो दूसरी करेंसीज हैं वो यहाँ पे वीक होती रहती हैं। और इसका नुकसान क्या होता है? अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो उस केस में जो दूसरी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे बेसिकली खरीद नहीं कर पाती हैं उन चीज़ों की जिनकी वैल्यू डॉलर में हो, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर का जो इंडेक्स है, इट हैज़ नाउ टच्ड अ 20-ईयर हाई ऑन मंडे, यानी कि क्लियरली डॉलर की वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है। अगर आप लोग US फेडरल रिजर्व को फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी जो डॉलर का बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कदम लिए जा रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को बहुत बढ़ा दिया गया है, उसके चलते भी जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। इसका परिणाम मैंने आपको बताया कि जो बाकी बायर्स होते हैं वो बेसिकली अब डॉलर में परचेस करने से इतराते हैं, बिकॉज उनको अब वही चीज़ परचेस करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो एक तरीके से हमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखें एक और फैक्टर जो कि हमारी मार्केट को नीचे ला रहा है, दैट इज द FII के आउटफ्लोज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि मेनली वेस्टर्न कंट्रीज जापान से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने फ्राइडे के दिन केवल एक दिन में 2900 करोड़ के स्टॉक्स को बेचा था, बिकॉज दे वर ऑल्सो थिंकिंग, दे वर ऑल्सो फियरिंग कि जो रिसेशन है दैट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इसके चलते भी यहाँ पे FII के हमें आउटफ्लोज देखने को मिले थे। उनको भी जो चीजें ड्राइव कर रही थी वो यही था कि डॉलर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसीलिए वो अब इंडिया की दलाल स्ट्रीट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और ऑब्वियसली जब ये सभी चीजें हमें दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इंडियन मार्केट कंप्लीटली इनसे आइसोलेट हो चुकी होगी। डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट तो हमें देखना लाजमी था। डोमेस्टिक मार्केट्स विल नॉट बी कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम ओवरसीज टर्मोइल एंड वुड कंटिन्यू टू सी बाउट्स ऑफ इंट्राडे वॉलेटिलिटी। और अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि केवल इंट्राडे वॉलेटिलिटी नहीं, बल्कि हम देखें तो पूरे साल की तुलना में, शुरुआत की तुलना में आज हमारे जो दोनों सूचकांक हैं वो नेगेटिव में चल रहे हैं, जो कि एक तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट को ही मेजर करते हैं। एंड इसका परिणाम ये हुआ है कि जो हमारे निवेशक हैं उनका यहाँ पे लगभग 7 लाख करोड़ तक का जो नुकसान है वो देखने को मिला है। ऑलमोस्ट सभी के सभी सेक्टर्स यहाँ पे ग्रीन थे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा कि अदानी के जो पावरफुल स्टॉक्स थे वो भी स्टॉक मार्केट को नीचे गिरने से नहीं बचा पाए। साथ ही में अगर आप देखें तो इंडियन रुपी भी अपने ऑल टाइम लो को टच कर चुका है। आज सुबह इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, $1 वॉज बेसिकली एट 81.47 और ये और गिरा और 81.52 के लेवल पर जाकर के पहुंच गया, जो कि इंडियन रुपी का सबसे ज़्यादा खराब लेवल है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, जो कि हमने आज तक कभी भी इतिहास में नहीं देखा है। सो ओवरऑल सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत ब्राइट हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर हमें दुनिया भर में मंदी देखने को मिलेगी तो येस, उसका हमें जो स्पिल ओवर है, उसका हमें जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। बल्कि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रुपी जो है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है, बिकॉज आने वाले टाइम में US से
अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज दरें हैं वो और बढ़ाएगा, और जब यूएसए ब्याज दरों को और बढ़ाएगा डॉलर और स्ट्रांग हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉट जस्ट रूपी बल्कि अदर करेंसीज के संदर्भ में भी डॉलर जो है वो यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और इस पूरी चीज का इम्पैक्ट हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, वो भी अगर आप देखें तो डेटा सामने आ चुका है फॉर द वीक एंडिंग सेप्टेम्बर 16 हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $550 बिलियन के आंकड़े को भी अब ब्रेक कर चुके हैं, दे आर नाउ एट $545.652 बिलियन। इन सभी चीजों को कंटेन करने के लिए, इन सभी चीजों को क्वेल करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है? सो आरबीआई के द्वारा प्लान किया जा रहा है 30th सितंबर को कि चौथा रेट हाइक हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते आरबीआई ना केवल भारत में महंगाई को कंट्रोल करेगा बल्कि जो गिरता हुआ रुपया है उसको भी कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करने वाला है। बाकी जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं मार्केट की आज इस गिरावट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपकी यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं सुपर कोचिंग का ये वाला कोर्स, जिसमें कि आपको इंडिया के सभी टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, यू कैन स्टडी फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको स्टडी नोट्स और मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सभी चीज़ें आप लोग अवेल कर सकते हैं मात्र ₹2400 प्रति मंथ में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।